हाँ वो भी पेड़ है, ये वापस ले जाओ अपना। बेटा गमला का नंबर आ गया। और ये भी ले जाओ वापस जो लेके आए हो अभी अभी। अच्छा मैं बार बार पैंट के दिखाया सुबह से पजामा, दो दिन बाद दिखा चुका है। उसके वहाँ पे ना रैश हो गया, रैशेस हो गए। मैं कर रहा हूँ घुटने दिखा रहा है, कर रहा है। पॉटी भी किया हुआ था ना, दो बार तो पॉटी करके बैठा है। मेवान नहीं वाले फूल तोड़ के ला रहा है। अले वाह भाई चोना मिले ले लाया है, गिल गया उठा दो ला। थैंक यू। वो नहीं छीछी है, छीछी रहने दो। अब से जहाँ काम करते थे उनका पोस्टर था, हम लोग क्या था, हम लोग ग्रेड लग जाते थे काम का, उसका कुछ हिसाब था जितनी गलत। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब अबिप लाइफ। मैं हूँ विभा, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब अबिप लाइफ। फ्रेंड आज का व्लॉग मैंने दोपहर 1 बजे से स्टार्ट किया है और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और क्या रीज़न है हॉस्पिटल जाने का व्लॉग कंटिन्यू देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पॉटी में हल्का सा बहुत ज़रा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उसने 1 हफ्ते की दवा दी है। तो अब वो 1 हफ्ते की दवा खिला के देखनी है कि कैसे कितने टाइम तक ठीक होता है। और
बस वही लेके मैं सारी चीज़ें लेके फिर घर आ गए, क्योंकि स्कूटी से थे और तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, हॉस्पिटल का तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बेबी बहुत रोने लगा था मेरा, तो इसलिए वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की और हॉस्पिटल में अलाउड भी नहीं था कैमरा, और ख़ासकर डॉक्टर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, तो वो मैंने शूट नहीं किया। और अभी घर आ गया है, विवांस हो गया है, तो आज का ब्लॉग में मुझे आपको यही बताना था कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई और क्या रीज़न है। दो चार दिन से ब्लॉग ना डालने का यही रीज़न था, क्योंकि मेहमान की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा उसको मोशन लग गया था, तो मुझे बिल्कुल मूड नहीं था वीडियो शूट करने का। तो आज ये वीडियो डाल के मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि क्यों नहीं डाल रही थी वीडियो। और फ्रेंड, मैं परसों गई थी अपना हेयर कट कराने और ऐसा हेयर कट कराया मैंने, और मेरे बाल बहुत ही हल्के और प्रेगनेंट डिलीवरी के बाद ना बहुत सारे गिर गए थे, मतलब बहुत झड़ने लगे थे, तो मैंने सोचा कि इस तरह से हेयर कट ले लूँ। तो हेयर कट लिया है मैंने, आप लोग ज़रूर बताएगा कि कैसा लग रहा है ये हेयर कट, मेरे पर सूट कर रहा है कि नहीं और बाल में थोड़ा सा बाउंस आया है कि नहीं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।